बनावे, मोदी जी दिमाग अपना ठीक रखें और ये 16.5-16 रुपए का भिखारी ना बनावे। आतंकवादी थोड़ी आ रहे देश में, आतंकवादी तो इन पे रुकना रहे थे ठीक, और ये किसानों को रोक रहे हैं। क्योंकि रोकने का मतलब क्या है, हमने कोई जुर्म किया है? मोदी मीडिया जो है वो एक बार अगर ईमानदारी से इस आंदोलन को कवरेज कर दे तो पूरे वर्ल्ड को, वैसे तो पता लग चुका है कि ये किसानों का आंदोलन है, और भी लोगों को पता लग जाएगा और भी अच्छी तरह से जितने भ्रम है सब टूट जाएंगे कि ये किसान है या कौन है। मोदी जी जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, किसानों की दुनियाई करेंगे और महंगाई कम करेंगे, इस 7 साल के अंदर मोदी जी ने जो जनता को और अन्नदाताओं को छला है। अगर ये सही होता, उन्होंने खुद ही तो बोला संशोधन करेंगे, संशोधन किस चीज में होता है, जो चीज गलत होती है। अब गलत चीज को हम क्यों झेलें, और 9 गलती है खुद बताते हैं, 12 हम बता रहे हैं कितनी बची, 3 तो फाड़ के फेंके डस्टबिन में, क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर, मैं आपके साथ आनंद यादव। गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर वाले जो फ्लाईओवर है वहाँ पर मौजूद हैं हम। आपको दिखाना चाहेंगे जो ये वाला लेन है और ये वाली लेन और दूसरी तीसरी लेन, जो तीनों लेन है तीनों को बंद कर दिया गया है। हाँ, लेकिन एम्बुलेंस आती है तो किसान भाई रास्ता खोल देते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइए मोदी जी मुझे कोसने वाले लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। भैया एक बात बताओ, पहली बात तो उनको समझ होनी चाहिए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, कभी कभी वो कोसने से ढोर मरते ही नहीं ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा मुझे कोसने वाले, क्योंकि वो तो पूरे देश को कोस गए, पूरे देश को हजम कर गए वो, तो क्या भैया हम उन्हें कोस भी ना सकें, बताओ आप। हाँ नहीं, उनका ये कहना कि नहीं अभी जो सम्मान निधि जो योजना मिली है 2000 रुपये किसानों के खातों में आती है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो एक दिन का रुपया 16 रुपये बनता है एक दिन के लिए, तो क्या 16 रुपये में किसान अपना एक दिन का खर्चा निकाल लेगा? भैया ये तो भिखारी बना रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, इसे ये बंद करें। और दूसरी बात, ये जो मिड डे मील चला है ना सरकारी स्कूलों में, उसे बंद करें, अच्छी शिक्षा लेकर आवे, शिक्षा होगी किसी भी देश में जाके आप काम कर सकते हो। अब जब तुम्हारे पास शिक्षा ही नहीं होगी, तुम्हें कैसे पता हवाई जहाज के टिकट कैसे बुक होंगे। भैया इस देश को शिक्षित बनावे, मोदी जी दिमाग अपना ठीक रखें, और ये 16.5-16 रुपये का भिखारी ना बनावे जनता को, अच्छी सुविधा करें देश में, और ये इनके बहकावे में ना आवे उद्योगपतियों के, ये कभी किसी के ना होते हैं, इनके चक्कर में आके अब पूरे जो किसान हैं उनकी बददुआएं ना लेवे, और इस देश की सबसे मेन बात इस देश की मट्टी पलित ना करें। अच्छा, कल मोदी जी ने कुछ अलग राज्यों के किसानों से बात की, उन किसान भाइयों ने बोला है कि जो बिल है वो बिल्कुल सही है, हम उसका समर्थन करते हैं। अरे भैया वो किसान कहाँ है, हमें तो दिखे ना है, हम भी यहाँ पे आ रहे हैं 29-30 दिन हो गए, हमें तो दिखे ना है, वो चार आदमी, चार छटोरे आदमी है वो सरकार के, कुछ नहीं है और वो। और दूसरी बात ये कि अगर ये बिल सही होता तो वो ये क्यों कहते कि संशोधन करो, अगर ये सही होता, उन्होंने खुद ही तो बोला संशोधन करेंगे, संशोधन किस चीज में होता है, जो चीज गलत होती है। अब गलत चीज को हम क्यों झेलें, और 9 गलती है खुद बताते हैं, 12 हम बता रहे हैं कितनी बची, 3 तो फाड़ के फेंके डस्टबिन में, क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं है। तो हम कहां गलत हैं, गलत तो प्रधानमंत्री जी हैं, चक्कर में पड़ रहे हैं इनके, अडानी अंबानी जी के, ना करें ऐसा। अच्छा, लगातार जो पीछे से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो किसान भाई आ रहे हैं, अलग अलग जिले की जो प्रशासन टीम है रोकने का प्रयास कर रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? भैया ये रोकने का प्रयास कर क्यों रहे हैं, कोई देश में आतंकवादी थोड़ी आ रहा बाहर से, देश का किसान ही तो आ रहा, क्यों रोक रहे हैं, ये चीज इनको पूछनी चाहिए ना, क्यों रोक रहे हैं, देश का किसान है, देश उसका है, वो आ रहा है अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए, समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए, ये रोक रहे हैं, ये तो खुद बता रहे हैं कि हम रोक के गलत कर रहे हैं। आतंकवादी थोड़ी आ रहे हैं देश में, आतंकवादी तो इन पे रुकना रहे थे ठीक, और ये किसानों को रोक रहे हैं, तो ये खुद गलत है ना, इनको ये चीज समझनी चाहिए। ऐसा आरोप लगता है कि खालिस्तानी का या पाकिस्तान का सपोर्ट है, वहाँ से फंडिंग, बाहर से फंडिंग हो रही है, इतना खर्चा जो रात को रजाई कंबल मिलते हैं उसमें वो लोग सवाल उठाते हैं। भैया सवाल उठाने से उनका कुछ ना बिगड़ा है। दूसरी बात ये पाकिस्तान से और खालिस्तान से फोन इनके पास आया होगा, हमारे पास तो आया नहीं, ना हमारी वहाँ ननसाल है, ना ननियाल है, ना ससुराल है, ना पियर है, कुछ ना, हमारा तो सब कुछ भारत में है, इनका होगा तो इसलिए इनको पता है, हमारे पास तो फोन नहीं आया। दूसरी बात, इंडिया की जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, जो ऐसा हो रहा है उन चीज की जांच करें, बंद करें उनको, भेजे जेल में, मुकदमा करें उनके खिलाफ, क्यों नहीं कर रहे, करिए, क्या कर रही है एजेंसियां। चलिए और भी किसान भाई हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार जी ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उत्तराखंड काशीपुर से आया हूँ। अच्छा, ऐसा सुनने में आया था कि जो पीछे जो भी, अभी तो आप खैर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कल रात ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी हजारों की संख्या में, बताया गया कि 20 या 25 हजार एक किसान आए यहाँ पर, 200-300 ट्रॉली आई हैं, उनको जगह जगह की जो प्रशासन की टीम है रोकने का प्रयास कर रही थी,
तो वहाँ के क्या माहौल था, क्या मतलब कैसी फेस क्या था, सिचुएशन बताएंगे एक बार? देखिए सर, इस देश में जब कोई कानून व्यवस्था कुछ भी है, न्यायाधीश के द्वारा जब बोल दिया गया है, जो हमारा CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश मिल चुके हैं कि आप किसान को नहीं रोक सकते हो। प्रोटेस्ट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है, लोकतंत्र में सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जितनी भी प्रशासन लगाया है रोकने के लिए किसानों को, वो सरासर गलत है। क्योंकि रोकने का मतलब क्या है, हमने कोई जुर्म किया है? हम धरना भी नहीं कर सकते? ये सरेआम शाही चल रही है सरकार की। अगर आप पुलिस वालों से बात करें, अगर उनसे प्रशासन से बात करें, वो कहते हैं सर हमें ऊपर से ऑर्डर है। अगर ऊपर से ऑर्डर है, उसका मतलब क्या है? ऊपर से ऑर्डर है वो एक के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक रखा के चलाने वाला काम हो रहा है। प्रशासन सारा का सारा लगा था कल रोकने के लिए, लेकिन नाकाम रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। वो जितने हमारे किसान भाई वहाँ से आने थे, वो सारे के सारे पहुँच चुके हैं अभी पीछे, और काफ़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पीछे से किसान हमारा आ रहा है। लगातार कई दौर की वार्ता हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह से, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से बात हो चुकी है, कोई हल नहीं निकल रहा है। वो बोलते हैं लगातार बिल में संशोधन कर लीजिए, किसान भाई बोलते हैं हमें बिल चाहिए ही नहीं। क्या लगता है आगे, ये आज 31वां दिन हो गया है, ये पूरा एक महीना हो गया, क्या लगता है आगे का? सर ऐसा है ना सर, कि अंबानी और अडानी ने जब इलेक्शन हुए तो बड़े अच्छे अच्छे कोट पैंट सूट और ये जो जहाज़ों में बैठ के जो इन्होंने इधर उधर जाके अपना प्रचार किया, उस पर जितना पैसा उन्होंने दिया इनको, अब वो पैसा उनको वापस चाहिए। वो चाहे वो आप बाय हुक और बाय क्रूक करके जो बिल पास किया इसके थ्रू लेना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैंने एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कि जो भी ये मोदी सरकार करना चाह रही है किसानों के साथ, ये तो हम होने नहीं देंगे। क्यों? किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, किसान अपनी हक की लड़ाई कर रहा है, और जो भी ये इसको रोकने का कोशिश करेगा, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम सिर्फ यहाँ किसान के मुद्दे की बात करना है। किसान के खिलाफ जितनी भी सरकारें हैं सारी की सारी बेकार हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो उस फलानी पार्टी का है या उस पार्टी का है। हमारा मकसद ये है, जो इन्होंने बिल पास किए हैं हमने वो फेल करना है, हमें वो नहीं चाहिए। आप इसको वापस लो और उसके बाद आप कमेटी बिठाओ, आपने जो कानून लेकर आना है, आप हमारे जितनी भी जथेबंदियाँ हैं, जो किसान यूनियन है, जितना भी है, किसके लिए कर रहे हैं आप? हमारे लिए कर रहे हैं, हम किसान हैं। आप हमसे पूछिए कि ये बिल आपके लिए आ रहा है, आपके इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, आपके इसमें क्या नुकसान है, वो हम बताएंगे उनको। लेकिन आप ज़बरदस्ती थोपेंगे तो वो गलत है। तो हमारी मांग यही है कि ये बिल फेल होना चाहिए। चलिए और भी बात करते हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर जिले से डॉक्टर गणेश उपाध्याय हूँ, हम वहाँ से आए हैं। हमारे हजारों गाड़ियाँ से कल से लेकर अभी तक काफिला आ रहा किसानों का, और हमें यकीन है मोदी जी जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, किसानों की दुनियाई करेंगे और महंगाई कम करेंगे, इस 7 साल के अंदर मोदी जी ने जो जनता को और अन्नदाताओं को छला है ना, 64 करोड़ अन्नदाता ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया। जब तक आपके द्वारा थोपा गया जो 3 कानून किसानों ने नहीं चाहता, आपने केवल अडानी अंबानी को उन्हें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के जो कानून लेके आए हैं, तो एक किसान उठेगा नहीं। आज 31वां दिन है और आप कहते हैं कि किसान आजकल काजू खा रहा है, बादाम खा रहा है। अरे मोदी जी क्यों भूल रहे हो, आप भी तो कहते थे, मैं एक चाय वाला हूँ, मेरी मदर कहते हैं झाड़ू पोछा लगाती थी और 15 लाख का सूट पहना हमारे देश के प्रधान, हम तो नहीं कहा आपने 15 लाख का। रैलियों में जाते हैं मोदी जी कहते थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ। अगर गरीब परिवार और इस प्रकार की अगर बात होती ना, किसान होते कभी जिंदगी में, किसान आप देख रहे हैं इतना ओस पड़ी, पाला पड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ये तो वही जानता। आप इनका कैबिनेट मिनिस्टर का एक मंत्री आके बैठे धरने में रात को, मैं यकीन से कहना चाहूँगा वो दूसरे दिन एम्स से भर्ती होना पड़ेगा। ये किसान लू बरसात आंधी तूफान और क्या जब ओले पड़ते उसमें काम करने वाला है। उन लोगों का ऐसा आरोप है कि इस दिल्ली की ठंड में जो किसान भाई बैठे हैं किसान नहीं है, ये नकली किसान है, गर्म रजाइयाँ, खाना, लंगर, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखो ये तो वो एक बार आए ना यहाँ पर, देखे ये नकली किसान है या असली किसान है, और जिन किसानों को लेकर के वो मीटिंग कर रहे हैं वो असली हैं, उनके प्रमाण दिखाए जाए, वो किसान है कौन है वो भी दिखाएं। वो सिर्फ अंधभक्त हैं और इधर उधर से वो लोग दिहाड़ियों में लेके आते हैं जिनको साथ में बैठा करके और उनको किसान घोषित करके और बोलते हैं कि ये किसान समर्थित है, बिल जो है किसान समर्थित है। ये गलत बात है, ये खाली बदनाम करने की कोशिश है। तमाम पूरे देश के किसान जाग चुके हैं, गोदी मीडिया जो है वो
एक बार अगर ईमानदारी से इस आंदोलन को कवरेज कर दे तो पूरे वर्ल्ड को, वैसे तो पता लग चुका है कि ये किसानों का आंदोलन है, और भी लोगों को पता लग जाएगा, और भी अच्छी तरह से जितने भ्रम है सब टूट जाएंगे कि ये किसान है या कौन है। अच्छा चलिए एक बात बताइए, 2014 के बाद से देश में जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं वो क्यों सफल नहीं होते? जैसे ही आंदोलन शुरू होता है उसमें किसी खालिस्तानी का नाम, पाकिस्तान का नाम, चीन का नाम, अलग अलग तमाम मुद्दे आ जाते हैं, आंदोलन ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही जो किसान आंदोलन चल रहा है 31 दिन हो गए हैं, इसमें ये खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन का नाम कहाँ से आ रहा है? सर किसी भी एजिटेशन या प्रोटेस्ट करने वाला जो भी आंदोलन होता है, सरकार जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, उसको तोड़ने के लिए झूठ फैलाया जाता है। यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, एक भ्रम ये भी चलाया कि इनके पास फंड कहाँ से आ रहा है। देखिए हाँ, आरोप लगाते हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, आरोप ये लगते रहेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता, पहले वो हमारा इतिहास देखें। यहाँ पर एक एक जो गरीब किसान भी है वो भी अपने पूरे कमाई का दसवंध देता है, दसवंध इन द सेंस के 10% उसने अपनी टोटल इनकम ऑफ दी, उसका 10% उसने आपको देना है। हाँ, मतलब अगर 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए वो दान देता है, ना ही देना ही देना है। ये हमारा इतिहास है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो सरकार बोलती जाएगी वही हम मान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। सरकार का काम इसे फेल करना है, तो वो किसी भी झूठे भ्रम फैलाएगी, हर एक चीज़ करेगी, तो वो फेल करना चाहेगी तो झूठी बोलेगी। चलिए ठीक है, तो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, आंदोलन का आज 31वां दिन है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 30 से 31-35 किसानों की मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हम अपने कैमरामैन से बोलना चाहेंगे, दिखाएं यहाँ पर कितनी भीड़ बढ़ गई है। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं, गाड़ियाँ लगातार, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ सब कुछ आ रहा है, रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान भाई रुकने का नाम दे रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा मांग है कि जो आंदोलन है, आंदोलन तब तक चल जारी रहेगा जब तक केंद्र में बैठी मोदी सरकार बिलों को वापस नहीं ले लेती है।